बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज हम लेक्चर, अपना लेक्चर नंबर 9 है हमारा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आज का यूजिंग टेक्स्ट टूल, कि हम डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। टूल्स का हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। उनमें हमने मुख्तलिफ टूल्स ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, लाइक जिस तरह स्ट्रेट लाइन ड्राइव करना, रेक्टेंगल्स ड्रा करना, और उसके अलावा ओवल ड्रा करना। डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं लर्न के, यानी कि जितने भी ये सारे टूल आपके सामने ये वाले नज़र आ रहे हैं। अब इन्हीं में से ये जो टेक्स्ट टूल है आपका, आज हम इसको देखते हैं कि जब आपने कोई भी डाटा लिखना हो, राइट करना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो वो किस तरह आप उस पर डाटा लिखोगे। यूजिंग टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल ना इस तरह का आपको ये इसका आइकन नज़र आता है टेक्स्ट टूल का, ठीक है। इन द टूल बॉक्स, ये भी होगा इधर ही टूल बॉक्स में, ये देखेंगे सामने, ये रहा आपके सामने टूल बॉक्स में। क्लिक द टेक्स्ट टूल, आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। टू क्रिएट अ टेक्स्ट फ्रेम, आपने एक टेक्स्ट फ्रेम बनाने के लिए करना क्या है, अब ड्रैग द पॉइंटर डायगनली, आपने ये जो पॉइंटर आपके सामने माउस जो स्क्रीन पर मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, इसको ड्रैग करना है डायगनली। देखें इस तरह, ये आपके सामने ये एमएस पेंट का मैं पेज ओपन करता हूँ, कि आपने सबसे पहले ये देखें टूल बार में से किसको, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कर्सर को, माउस को लेके आना है, माउस के बटन को क्लिक करना है, लेफ्ट बटन को, और इस तरह आपने ड्रैग करना है इसको डायगनली इस फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप इसको जितना बड़ा आपने ड्रा करना जिसमें आप डाटा लिखना चाहो, इसको यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ, मैं सिर्फ इतनी सिलेक्शन चाहता हूँ, इस एरिया में अपना डाटा लिखना चाहता हूँ, मैंने बटन छोड़ दिया। और ये देखें अब ये सारा जो टेक्स्ट की सारी सेटिंग है ना, वो आपके सामने आ गई। कलरिंग चेंज कर सकते हो आप लोग यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप ये इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये सारे डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स आपके पास। यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, ये देखें ये। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपने सिंपली ओपन कर लिया, अब आपने क्या करना, वो कहता है ऑन द टेक्स्ट टूल बार क्लिक द फॉन्ट साइज, फॉन्ट आपने फॉन्ट पे क्लिक करना है। ये सारा आपके, यानी कि ये फॉन्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो डायलॉग बॉक्स है जिसमें डिफरेंट आपके पास ये कमांड्स होंगी, कलरिंग कमांड होगी, आप लोग साइज चेंज कर सकते हो और स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज स्टाइल ये सारी चीज़ें आप यू वांट फॉर द टेक्स्ट, यानी कि आप टेक्स्ट लिखने के लिए जो भी स्टाइल साइज और फॉन्ट ETC रखना चाहें आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट फ्रेम टू टाइप टेक्स्ट, इस तरह का ये टेक्स्ट फ्रेम आपके सामने बनेगा, उसमें आपने यहाँ क्लिक करना है दरमियान में, ये जो आपका ये फ्रेम बना है, ठीक है। जहाँ पे क्लिक करोगे वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आप लोग डेटा लिख सकते हो। आई थिंक इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा। सिंपली आपने एक टूल को सेलेक्ट करना, उससे एक फ्रेम ड्रा करना है, फ्रेम में आप लोगों ने डाटा लिखना, ठीक है। यू कैन एंटर टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स, आप लोग टेक्स्ट एंटर कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स ओनली वंस, एक ही मरतबा, एक बार आपने जो लिख दिया वही लिखा रहेगा। आफ्टर यू क्लिक आउटसाइड द बॉक्स, आप जब आउटसाइड द, ये जो आपका बॉक्स बना था ये वाला, जब इससे आउटसाइड बाहर इस एरिया में, वर्किंग एरिया में आप क्लिक करोगे, तब क्या होगा, यू कैन नॉट मेक इट एक्टिव अगेन, आप लोग इसको अगेन एक्टिव नहीं कर सकते। जिस तरह आप देखिए फिलहाल एक्टिव है, इसके अंदर ही आपको ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, ये देखें ये वाला। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करता हूँ, चलें जिस तरह के अब हम लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के लिए आपकी जो सिक्स क्लास है, सिक्स क्लास के स्टूडेंट है। अब आप इसको सेलेक्ट करके, इस तरह सारे को सेलेक्ट करके, इसके अगर कलर चेंज करना चाहें आप लोग कलर इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी इसको दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हो, राइटिंग स्टाइल आपने चेंज करना हो, राइटिंग स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखें डिफरेंट स्टाइल्स आपके सामने आ रहे हैं। आप लोग यहाँ से स्टाइल चेंज करने के बाद क्या उसको मज़ीद, यानी कि उसका साइज़ बढ़ाना चाहें, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो,
अब होगा क्या कि आपने फॉर एग्जांपल ये वाला साइज ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, कलर भी आप लोग चेंज कर चुके हैं उसका। जब अभी फिलहाल ये सेल एक्टिव है, जैसे आप इसके बाहर क्लिक करोगे ये अनएक्टिव हो गया। अब आप इसको अगेन एक्टिव नहीं कर सकते, ये देखें ठीक है। इस टेक्स्ट को अगेन एडिट करना नहीं कर सकते आपने इसको, अगर एडिटिंग जितनी भी करनी है जब आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, जिस मिसाल के तौर पर हम अगेन यानी कि एक और वो, जब तक कि इस तरह हाईलाइटेड है, इसके अंदर जो भी आपने चेंजिंग करनी आप लोग कर सकते हो ठीक है। जो डाटा लिखना, जिस तरह का स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी आप कर सकते हो। जैसे इसके बाहर आप क्लिक करोगे वो क्या होगा, अनएक्टिव हो जाएगा। मीन्स के बस अब एक्टिव के दौरान ही आप उसमें आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जब वो एक्टिव नहीं है तो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो ठीक है। तो आज हमने टूल बार में से एक और टूल को पढ़ा जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट टूल। तो अब आपके जो लिखने का होमवर्क है ये इसके कितने स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं ये वाले, 4 ये और इसके अलावा ये वाला। यहाँ तक आपने लिखना भी है, याद भी करना है, और बाकी इसकी पहचान रखने का टेक्स्ट टूल इस टाइप का होता है ठीक है। आइकन वगैरह सारे इसके आपने पहचान में रखने, ये बॉक्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर जो भी आप डाटा टाइप करना चाहते हैं वो लिख सकते हो। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, बाकी काइंडली ध्यान रखें अपना, कोविड 19 की जो भी SOPs है उनको फॉलो करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।